देखिए, अगर आप पिछले 6-7 साल को देखें तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, पोर्ट्स देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक एग्रीकल्चर में, खेती में मोनोपोली नहीं थी। आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था। उसमें मंडियां शामिल थी, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था। ये तीन कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री, हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं, और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है। ये हिंदुस्तान की रियलिटी है। अब आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जरूर पूछिए। वील टेक क्वेश्चन। देखिए, एक बात है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मैं किसान भाइयों के लिए कर रहा हूं, तो ब्रॉडली मैं आपके जवाब दूंगा, मगर डिस्ट्रैक्ट करने की आप कोशिश मत कीजिए।